नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर की, जो कि 11 अप्रैल का, तो आई थिंक बहुत लेट हो चुके हैं, बट फिर भी डिस्कस करेंगे इसको। लेट मैंने इसलिए इसको बनाया क्योंकि जो इसके मैक्सिमम न्यूज है वो हम करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर वीडियोस देखी हो मेरी करंट अफेयर वाली, अप्रैल वाली जितनी भी बनी थी 2-4, तो उसमें हम मैक्सिमम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ कि एक बार आपको हेडलाइंस पता लग जाए। डीपली आपको पढ़ना है तो आप इसको, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा आपने, तो वहां पर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली अपने ब्राउजर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो है कि शिमला में स्थापित हुआ प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र। तो अभी अभी जो है शिमला में सौर ऊर्जा संयंत्र प्लांट, एक सौर ऊर्जा का स्थापित किया गया है, ठीक है, 35 किलोवाट का है। और ये जो किया गया है ये पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान के भवन में किया गया है। तो ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कहाँ स्थापित किया गया है और कितने किलोवाट का। नेक्स्ट है, 12 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगाई गई है स्क्रीन डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में। इससे क्या होगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर किसी भी समय किसी भी विभाग पर निगरानी रख सकेंगे। तो इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आप वहां पर पढ़ सकते हो। और 2 पोर्टल, खनन और स्टार्टअप पोर्टल आरंभ किया गया है, ठीक है, एक खनन के लिए है, दूसरा हमारा जो है अग्निशामक सेवाओं के लिए, उसकी एनओसी के लिए है कि जो उसकी एनओसी है उसके लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये 2 वेब पोर्टल जारी किए गए। तीसरी जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है मंडी में एक क्लस्टर विश्वविद्यालय अब खोला जाएगा, ठीक है। और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, ये आपको याद रखना है शिक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन है। तो उन्होंने ये अभी अभी अनाउंसमेंट किया है कि जो क्लस्टर विश्वविद्यालय होगा वो मंडी में खोला जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल दिया गया है, ठीक है, सबकी सेहत का ख्याल, बट ये आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और 108 एम्बुलेंस सेवा अभी अभी, ठीक है, 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला हिमाचल उत्तर भारत का पहला राज्य है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो शुरू की गई है वो शिमला से की गई है, बस आपको ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि एक तो उत्तर भारत का पहला राज्य हिमाचल है और हिमाचल में कहां से शुरू की गई है, तो वो की गई है शिमला से, ठीक है। और इससे पहले जो राज्य हैं वो हैं तमिलनाडु, कर्नाटक व गोवा, ठीक है। तो इसके बाद हिमाचल ऐसा चौथा राज्य है जहां पर बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है और गोवा में है। फिर नेक्स्ट है कि 2021 तक जो है हिमाचल को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर बात करें इंडिया की तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक ये लक्ष्य रखा है, और अगर बात करें हमारे जयराम ठाकुर जी की तो 2021 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि जो हिमाचल को है वो टीबी फ्री कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर दिया चांचल घाटी में, तो ये जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हें को ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जापान के सहयोग से लागू होगी 18 करोड़ की परियोजना। तो जो हमारे अभी परिवहन, वन परिवहन, युवा सेवाएं और खेल मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि जो शिमला में अभी जापान के प्रतिनिधि और जापान के भारत के राजदूत जो आजीविका सुधार और वन्य परिस्थिति प्रबंध समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है, तो उस क्या होगा उसके अकॉर्डिंग कि 800 करोड़ की एक परियोजना लगाई जाएगी जिससे बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी तथा शिमला में अगले 10 वर्षों के लिए कार्य किया जाएंगे, किसको, बायोडायवर्सिटी को सुधारने के लिए। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर्स में, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक बार करंट अफेयर्स वाली वीडियोस जरूर देख लें। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ अभी हेडलाइंस डिस्कस कर रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत आपको पता लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है ग्रामीण विकास को तरजीह, ठीक है, कि जो हिमाचल एक ग्रामीण राज्य है जिसका जो अधिकतर जो आबादी है वो गांव में निवास करती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो गांव को अगर अच्छे स्तर पर ले जाना है तो पंचायती राज जो संस्थाएं होती है, पंचायती संस्थाएं, उनको एक अच्छा स्तर मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को 2018-19 के दौरान 194 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश को जो है केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को बाह्य शौच यानी कि जो बाह्य शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। और अगर कोई जो कचरा वगैरह के लिए जो हमारे पिकअप वाहन खरीदते हैं, ठीक है, अगर वो स्पेशली इस काम के लिए खरीदते हैं कि जो कचरा होता है उसको ढोने के लिए, तो उस पर 33% की जो है सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, जिसकी ऊपरी सीमा 1.5 लाख रुपए तक भी है। और जो स्वयं सहायता समूह होते हैं इस काम के लिए उनकी जो फंड है उनको 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है। तो और जो इस योजना के तहत जो वर्तमान बजट दिया गया है वो 42 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो यही दिया गया है जो भी हमारे गांव है, ठीक है, उनके लिए अभी अभी एक योजना चलाई गई है जो ग्राम गौरव पट है। तो ग्राम गौरव पट से मतलब यहाँ पर यह है कि जो कहीं क्या होता है कि बहुत गांव से बहुत ही होनहार
कुछ व्यक्ति निकलते हैं, बट किसी को पता नहीं होता है कि इस गांव से रिलेट करते हैं या उस गांव से रिलेट करते हैं। अब आपको क्या मिलेगा कि जब आप किसी भी गांव के बाहर जाया करोगे तो वहां पर ग्राम गौरव पट लगा होगा, जहां पर आपको पता लगेगा पढ़ के कि इस गांव से कौन कौन महान व्यक्ति निकले हैं या महान पर्सनैलिटी इस गांव से निकली। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोबारा से बेहतर किसानों के बारे में दिया गया है, सेब बागवानों, तो आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है संविधान व राष्ट्र के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान। तो एक डॉक्टर अंबेडकर के बारे में दिया गया है कि जो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था वो 1191 में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने 1927 ईस्वी में महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, ये आप रख सकते हैं याद, आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत, तो मेनली जो इनको संविधान का रचयिता माना जाता है तो रविंद्रनाथ टैगोर को ही माना जाता है। और इन्होंने बहुत बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, सिविल सेवाओं के लिए, स्कूलों में आरक्षण के लिए बहुत लड़ाई की है। ठीक है, तो उन्होंने भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत की थी। ठीक है, जो अभी भी निरंतर जारी है। और 1897 में उनका पूरा परिवार बॉम्बे में जा बसा था, जहां उनकी शिक्षा हुई थी। फिर उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ही अपनी ग्रेजुएशन करी, सब कुछ वहीं पर किया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। संविधान की जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो संविधान के रचयिता के रूप में जाना जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ठीक है, और तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इनके बारे में दिया गया है। ठीक है, कि संविधान को बनाया, बनने में कितना टाइम लगा और कितने, किस तरह से उन्होंने इस संविधान को बनाया है। तो ज्यादा डिटेल आपको पढ़नी है तो आपको सारी बुक्स में मिल जाएगा, इतना यहाँ पर कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है एक मंदिर के बारे में, जो कि है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बालासुंदरी त्रिलोकपुर वाले मंदिर में। तो सिर्फ आप इतना ही याद रखिए, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि बालासुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो है हमारा त्रिलोकपुर में, मतलब सिरमौर में स्थित है। बालासुंदरी मंदिर को त्रिलोकपुर मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ अगर मिलता है हमें। तो बाकी तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हाँ, अभी अभी जो रूस के राजदूत निकोल आर कुडाशिवा के साथ अभी अभी जो हमारे क्या हुआ था कि मीटिंग हुई थी जयराम ठाकुर जी की, तो ये भी हम जो है करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे ज्यादा कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम जो चीजें हम करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं, आप करंट अफेयर की वीडियो जरूर देखिएगा। और इसको वीडियो को, इस जो हमारी ये पीडीएफ है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, तो आप उसको देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।